नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। ये एक ऐसा अनोखा यूट्यूब चैनल है जिसकी शुरुआत विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ करार जी ने की है और हम इस पर आपको सुनाते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। हाथी की जगह सजीव सा रोबो, छोटी उड़ाने होंगे बंद, साधारण साइकिल से विद्युत बाइक, उंगलियों पर लगा तंत्र ज्ञान, एक मां का अनोखा संशोधन। भारत के एक मंदिर में क्रूरता मुक्त अनुष्ठानों की ओर एक कदम उठाते हुए हाथी की जगह एक सजीव सा रोबो लगा दिया है। आइए देखते हैं। भारत के दक्षिणी राज्य केरल में एक मंदिर ने भक्तों को क्रूरता मुक्त तरीके के अनुष्ठान की ओर ले जाने में मदद करने के लिए एक पारंपरिक हाथी को एक आदमकद यांत्रिकी रोबो के साथ बदल दिया है। पशु क्रूरता को कम करने के प्रयास में त्रिशूर जिले के इरिजादिपल्ली श्री कृष्ण मंदिर ने रोबोटिक हाथी का हाल ही में उद्घाटन किया। मंदिर के अधिकारियों द्वारा 11 फीट लंबे इस यांत्रिक जानवर का नाम इरिजादिपल्ली रमन रखा गया है। लोह के फ्रेम और रबर की परत से बना 800 किलो का यह हाथी पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट टू एनिमल्स इंडिया द्वारा एक अभिनेता के सहयोग से मंदिर को दान किया गया। मंदिर के अधिकारी तथा श्रद्धालु इस यांत्रिक हाथी को पाकर खुश हैं और उम्मीद की जा रही है कि अन्य मंदिर भी जल्द ही इस प्रथा का अनुसरण करेंगे। फ्रांस में जल्द ही छोटी दूरी की उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। क्यों किया जा रहा है ऐसा, आइए देखते हैं। फ्रांस ने अनावश्यक हवाई यात्राओं को कम करने के प्रयास में छोटी दूरी की घरेलू उड़ानों पर रोक लगा दी है। यूरोपीय आयोग द्वारा अनुमोदित नई योजना के अनुसार उन स्थानों के बीच उड़ानों की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां ट्रेन कनेक्शन पहले से मौजूद हैं और जिनमें 2.5 घंटे से कम समय लगता है। यह योजना फ्रांस के जलवायु कानून का हिस्सा है और फ्रांस द्वारा प्रस्तावित कार्बन उत्सर्जन को कम करने के तरीके का एक भाग है। हैदराबाद में एक स्टार्टअप साधारण साइकिलों को विद्युत साइकिल में बदलता है, आइए देखते हैं। तेलंगाना के कंप्यूटर साइंस इंजीनियर प्रशांत मामीडाला के ई साइकिल स्टार्टअप की प्रेरणा 8वीं क्लास के बेटे का साइंस प्रोजेक्ट है। ई बाइक में लोगों की दिलचस्पी देखते हुए प्रशांत को ई साइकिल स्टार्टअप शुरू करने का विचार आया, जिसे उन्होंने विज्ञान मेला परियोजना के लिए सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल के छात्र अपने बेटे अभ्युत के साथ मिलकर बनाया। साइकिल में 250 वाट की मोटर, एक इलेक्ट्रिक ब्रेक सिस्टम, एक हेडलाइट, एक इलेक्ट्रिक लॉक, एक चार्जिंग पोर्ट, एक एक्सेलरेटर, एक कंट्रोलर, एक चेन शाफ्ट और एक फ्रीव्हील शामिल है। इन पुर्जों ने एक किट बनाई जिसे एक साधारण साइकिल से जोड़कर इसे एक इलेक्ट्रिक वाहन में बदल दिया जा सकता है। मामीडाला ने पिछले ही कुछ महीनों में विस्तार किया और हर महीने 20 साइकिलें बेचने का प्रबंधन करते हैं। प्रशांत का कहना है कि वे अपनी खुद की उत्पादन इकाई लगाने के प्रयास में हैं, ताकि हैदराबाद में ही इसका उत्पादन हो सके। पहनने योग्य नए मेडिकल सेंसर उंगलियों के पसीनों से चलते हैं, जानते हैं क्या है यह आविष्कार। एक नया विकसित मेडिकल सेंसर उंगलियों के पसीने पर चलता है। पसीने से चलने वाले इस उपकरण के पीछे के शोधकर्ता भारी बैटरी की आवश्यकता को कम करके इसे बैंडेड की तरह पतला और लचीला बनाने में सक्षम थे। ऐसे कम हुआ इस मेडिकल सेंसर का वजन। इन पतले नए सेंसर का उपयोग रक्त शर्करा के स्तर, हृदय गति या विटामिन की कमी जैसे स्वास्थ्य और पोषण के उपायों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। ये सेंसर मानव पसीने में मौजूद लैक्टेट नामक यौगिक को झाग के एक पैच के साथ सोख लेते हैं, जिसमें एक एंजाइम होता है जो बिजली उत्पन्न करने के लिए लैक्टेट का ऑक्सीडीकरण करता है। एक पुरस्कार ने राजलक्ष्मी बोरठाकुर को अपने संशोधन को आगे के स्तर पर ले जाने में मदद की, सुनते हैं यह खबर विस्तार से। टेरा ब्लू एक्सटी नामक संस्था की एक संस्थापक और सीईओ राजलक्ष्मी बोरठाकुर का पुरस्कार विजेता संशोधन टीजे
मिर्गी के दौरे का जल्द पता लगाने वाला उपकरण है, जो मिर्गी से पीड़ित अनगिनत लोगों की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस संशोधन की यात्रा तब शुरू हुई जब 2011 में राजी के बेटे तेजस का जन्म हुआ और युवा माँ को पता था कि कुछ गड़बड़ है। तेजस को झटके लगते थे और उसे नींद में पसीना आता था। मिर्गी के एक गंभीर हमले के बाद तेजस कोमा में चला गया। इस प्रकार हताश माँ ने एक समाधान खोजने के लिए यह उपकरण तैयार किया, जो उन्हें तेजस के आने वाले दौरों के बारे में पहले से सूचित कर सके। मिर्गी और उद्यमिता की नैदानिक पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं होने के कारण एक स्वघोषित लेकिन चिंतित माँ एक सफल मेडिटेक उद्यमी बन गई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, आइए सुनते हैं जाते जाते। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विदेश में अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत में काम के घंटों को 14 घंटों से लेकर 8 घंटों तक कम कर दिया था। कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉक्टर अम्बेडकर की आत्मकथा को पाठ्य पुस्तक के रूप में प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का विरोध किया था। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।